फैसला खुद डिसाइड करेंगे क्योंकि हज पे जा रहे हैं। नहीं, हमने कुछ भी नहीं सोचा है क्योंकि फैसला भाई हज पे जा रहे हैं और हज पे जा रहे हो इंशाल्लाह। ये बकरा मैं तो ले लिया हूं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो भाई सबसे पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम है अल मैदा गोट फार्म में भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ भाई, तमाम गोट लवर्स का दिल खुश हो जाएगा भाई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अपन ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सर ज़मीन वांगनी में मुंबई से जो बहुत करीब है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस टाइम ये नेमत यहाँ पर भेजी है भाई। इंडिया का सबसे बड़ा कोटा बकरा जो कि तैयार हुआ है भाई अल मैदा गोट फार्म में, जो कि वांगनी में। तो माशाल्लाह यहाँ का जो माहौल है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, जो लोग कहते हैं कि बकरेबाजी होती क्या है, तो भाई ये जो बकरेबाजी का जो शौक़ है ना, जो इंडिया का सबसे बड़ा कोटा है उसका जो जश्न मनाया जा रहा है भाई, वो किसी शादी से कम नहीं है भाई। अंदर की जो तैयारी चल रही है ना वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब गोट लवर्स का शौक़ बढ़ाने के लिए हमारे उस्ताद लोग क्या क्या कर रहे हैं, और वीडियो में आप लोग को लास्ट तक बने रहना है। जो लोग आए उनका रिव्यू लेना है, बड़े बड़े उस्ताद आए उनका रिव्यू लेना है, और उसके बाद में कुछ प्रोडक्ट आज लॉन्च होने वाले हैं, जो कहते ना कि हमें हैवी गोट बकरे घर में पालना है, तो उससे रिलेटेड कई सारे स्टफ़ आज यहाँ पे लॉन्च होने वाले। तो एक तो है भाई इंडिया का सबसे बड़ा कोटा बकरा जिसकी लॉन्चिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपने महाराष्ट्र में तो एक अलग लेवल की खुशी है। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर अपने भाई के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं अल मैदा गोट फार्म के आंगन में, और किस तरीके की तैयारी चल रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो भाई आप लोग देख सकते हो बकरेबाजी का जो शौक़ है भाई वो किस लेवल पर पहुँच गया है भाई। तैयारी देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई शादी की महफिल है यहाँ पर। तो सामने जो है भाई बकरे की लॉन्चिंग वहाँ पर होगी, सारे मेहमान आने वाले हैं भाई, प्रॉपर वेलकम ड्रिंक वगैरह रखा गया, और तमाम जो बकरेबाज है और जो गोट लवर्स है भाई वो सारे लोगों की एंट्री हो रही है भाई। और यहाँ पे फाइनली कोकनी स्टाइल में खाना बनाया जा रहा है भाई। तो आज का जो फंक्शन है भाई बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा अंदर चलते हैं जब तक यहाँ तैयारी चल रही है। जो ये गोट फार्म है इसका एक छोटा सा व्यू लेते हैं अपन दूर दूर से, क्योंकि आज का जो अपना मकसद है भाई मेन लॉन्चिंग इंडिया का सबसे बड़ा कोटा बकरा। तो ये एक शेड है और हम जाएंगे ये वाले शेड में भाई। तो भाई आप लोग सेटअप देख सकते हो, प्रॉपर मीडिया का एक टेबल अलग रखा गया है। जो बकरेबाज है गोट लवर है वो सारे लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग आए ना भाई उनसे मुलाकात करते हैं। चाचू को तो आप सब जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन बाद में लेंगे। जो लोग आए उनकी सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? इम्तियाज नाटकर। इम्तियाज सर, यहाँ आने का रीजन क्या, और आज चेहरे पे एक अलग चमक है? चाचू के मोहब्बत में आए, और चाचू के बड़ा शो बकरा शो करने वाले तो बोले तो मतलब अपनी कोकनी समाज के लिए आज बहुत एक त्योहार वाला दिन हो गया कि हमारी सर जमीन से ये चीज एक निकली है। माशाल्लाह, तो फुल एक्साइटेड हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बेशक। तो माशाल्लाह और भी भाई लोग है, थोड़ा सा यहाँ जाइए ना भाई, अपने को अभी पीछे का बैकग्राउंड नहीं दिखाना है, वो वाला स्टेज वाला वो लास्ट में दिखाएंगे, है ना चाचू? आप भी साथ में खड़े हो जाइए और मजा आएगा भाई। पहले आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम अरसलान शेख। अरसलान भाई कैसा लग रहा है आके? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं नासिक से आया हूं। नासिक, तो कोटा जो सबसे बड़ी हाइट का, आपने अगर आप गोट लवर हो जी, तो सबसे बड़ी हाइट का कोटा आपने अभी तक कितना देखा है अपनी लाइफ में? 43-44। बस सर, आप भी गोट लवर हो? और मेरे को तो लगता है सब यहाँ दीवाने और गोट लवर हो का ही काम है भाई। आप कहाँ से हो सर? कुरला से है। तो हाँ बोलो बोलो बोलो। चाचू के पास देखे? वो भी चाचू के पास ही देखे। अरे वो फुटबॉल बहुत है ऐसे ऐसे भाई। एक मिनट हूँ खाली,
बंद कर, ये बंद कर एक, एक, एक। आप कुदला से आए हो सर? जी जी भाई। तो आपने अभी तक ये बकरा देखा जो आज लॉन्च होने वाला है? क्या इंतजार फोर्स कर रहा हूँ दिखा रहे? तो आपकी लाइव जर्नी में आपने अभी तक सबसे बड़ा कोटा हाइट का बकरा क्या देखे भाई? 43 मैक्सिमम देखा। 43 आपने देखे? हाँ, प्रॉपर अपने हिसाब से, बॉम्बे के हिसाब से या मार्शल के हिसाब से 43, दुनिया बोलेगी उसको 45 बोलेगी। ऐसा बोलेगी, मगर यहाँ तो अपना काम तो फैक्ट पे चलता है ना भाई, बोलने से नहीं चलता है। तो अपने देखे। तो चाचू थोड़ा सा यहाँ हो ना, तो पीछे का बोर्ड आ जाएगा, थोड़ा सा सामने ही है। तो ये बकरा को नापने वाले भी अपन? नहीं, अगर अपना जिससे बात चलिए, हाँ, वो अगर बोलेगा नाप के तो नाप के भी नाप के भी देंगे, तोल के तो बोलेगा तो तोल के भी देंगे। ये वो सब जान दो, वो छोड़ो भाई, ऐसे ही चाचू नहीं बोलते। हाँ, ऐसे ही लोग चाचू नहीं बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह। जो बोलेंगे ठोक के बोलेंगे। सही है, सही है। उसने बोला मेरे को बकरा नापने का, पब्लिक के बीच में नाप के दूंगा, नाप के देंगे। उसने बोला वजन करके मेरे को पब्लिक के सामने मांगता है, पब्लिक के सामने तोल के, वो भी देंगे अपन। बिल्कुल, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका नाम भाई? जावेद शेख भाई। जावेद भाई कहाँ से है अपन? कुर्ला से भाई। आप भी एक्सट्रीम गोट लवर? हाँ जी। तो सबसे बड़ा कोटा आपने अभी तक क्या देखा, क्या हाइट का देखा है अपनी लाइफ जर्नी में? 42। तो आज जो तहलका होने वाला है ना, मैं तो बोलूंगा आप लोग इंतजार करो, बहुत मजा आएगा। सर आप, सर आपका नाम? अजहर। अजहर भाई, वालेकुम सलाम। अजहर भाई बहुत चेहरे पे खुशी दिख रही है, क्या बात है भाई? खुशी है भाई बकरा देखने की। बकरा देखने की, तो मतलब ये दीवानापन है ना, अभी लोगों को अगर अपन बोल देंगे कि हम किसी शादी में आए हैं, पीछे का सेटअप दिखा के, तो लोग बोलेंगे सही में शादी बारात ही चल रही है। सेटअप तो पूरा वैसी है शादी जैसा, लेकिन ये बकरेबाजी की है भाई, के इंसान का कर रहे तो बहुत मजा आने वाला है। आज तकरीबन अपन 2-3 घंटा यहीं रहेंगे और फुल धमाल करेंगे, और अल्लाह ने भाई अपने कोकनी समाज के बीच में और महाराष्ट्र की सर जमीन पर ये चीज भेजा है, तो हम मुंबई कर्स और आजू बाजू के लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, है ना भाई? तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा, और बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या बोल रहे हैं फैसल भाई, अलग रौनक चेहरे पे, अलग चमक। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या है आज, क्या है आज अपने चाचू का जो सबसे बड़ा बकरा है इंडिया का, इंडिया का सबसे बड़ा, आप दावा कर रहे हो? 101% कन्फर्म। कन्फर्म भाई, जो उसकी आज लॉन्चिंग है भाई। हाँ, तो आज दावत रखे चाचू ने, हम लोग सब यहाँ पे आए अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारे यहाँ तो रत्नागिरी के, यहाँ तो सब ये भाई लोग से तो मैं मिल लिया, तारुफ करा दिया सबका, मगर यहाँ तो अपने को ऐसा लग रहा है शादी में अपन आए भाई, बकरेबाजी वाला। मैं बहुत अच्छी दावत। अच्छा फैसल भाई, आप भोपाल गए, सूरत गए, सब जगह आपने लॉन्चिंग देखी जी, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपने ऐसी लॉन्चिंग आज तक देखी किसी बकरे की भाई? ये महाराष्ट्र में जो फर्स्ट लॉन्चिंग है चाचू की, अल-मैदा गोट फार्म की, जो मैं फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग में मुंबई में आया हूं, तो मैं सूरत लॉन्चिंग सुने ही नहीं थे। नहीं, भोपाल में होता है, सूरत नहीं, मुंबई की बात, मुंबई की तो फर्स्ट टाइम है ये लॉन्चिंग। अल्हम्दुलिल्लाह चाचू ने इतने अच्छे से स्टेज वेज बना के, मंडप रख के, एक फेस्टिवल हो गया, बहुत अच्छी शानदार दावत रखे माशाल्लाह, ये बोलना चाहूंगा। तो चाचू ये आइडिया कैसा, मतलब समझ में नहीं आया कुछ अपने को, क्यों ये आइडिया कैसे अचानक की एकदम बूम कर देना है, अलग कर देना है? नहीं तो भाई भी क्या हो, तो स्टोरी जाने दो सब। हाँ, अपने को खुद को एक धमाका करने का था, कर दिए बस, अल्लाह करम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए धूम किए। ये चाचू का इतिहास वाला बकरा है जो इतना सबसे बड़ा बकरा है। फैसल भाई आपने अपनी, मैंने सब भाइयों से एक ही सवाल पूछा, उनकी गोट जर्नी जो है ना भाई, लाइफ टाइम की गोट जर्नी जो गोट लवर्स की, ये भाई ये लोगों ने भाई बताया, सबने अलग अलग हाइट बताई कोटा की, जो आपने सबसे बड़ा कोटा बकरा देखा अपनी लाइफ टर्म में, वो कितने, क्या हाइट का देखा है? 43-44 का भी देखा, बट ये मेरे को 44 से थोड़ा बड़ा ही है। ये भाई ये तुम चीज आएंगी ना, देखना ये बड़ा मजा आने वाला है, मजा आएंगे इंशाल्लाह। तो पब्लिक को ये वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जाहिर सी बात है भाई। और जब माशाल्लाह भाई, एक भाई अपने और है रमीश भाई, क्या बोलना है, माहौल कैसा है यहाँ का? अल्हम्दुलिल्लाह भाई की वाइब ही अलग है, वाइब अलग है चाचू, माशाल्लाह यहाँ पे चाचू कल से सोए नहीं है भाई, यहाँ कल भी बकरेबाजी चली है, आज भी बकरेबाजी, देखो चेहरे पे अभी भी नींद है। नहीं वो अभी ये जो है ना, ये अलग एक मतलब क्या बोलते उसको, वाइब है मतलब यहाँ पे, हाँ टेंशन रहता है अभी, जैसा कल नॉर्मल हो जाएगा, 12 बजे तक तो उठूंगा नहीं, अच्छा नहीं उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सर, टेंशन खत्म हो जाएगा, मगर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, क्यों नहीं। तो अभी एक जज्बाती करने वाला सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को पूछना नहीं चाहिए, माहौल बहुत अच्छा है, मगर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ थोड़े सवाल, नहीं नहीं थोड़े सवाल अपने ऐसे थे चाचू, ये जो बकरा है ये नेक्स्ट औलाद मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल। तो अपने जज्बात के, देखो ये गोट लवर्स के लिए ये सवाल, अपने जज्बात क्यों होंगे जब बकरा अपना चले जाएगा, अपने जज्बात क्यों होंगे? जुड़ा हुआ है मेरे से, तुमको मैं वीडियो देखूंगा बाकायदा, इधर
इधर सर रख के मतलब मुंह रख के मेरे पास खड़ा रहता। एक्चुअली ये माहौल में देखो भाई का भी एकदम सर नीचे, ये माहौल में सवाल नहीं पूछना था, मगर भाई ये जो मोहब्बत होती ना लोग बोल रहे हैं, मेरे मेरे को रुलाएंगे तो। नहीं नहीं मैं एक चीज बोल के बंद कर दूंगा, लोग ये बोलते खाली बकरा पाल रहे, मगर ये नेक्स्ट टू औलाद है। जितना हम औलाद को नहीं टाइम देते, घर वालों को टाइम देते। चाचू अच्छा अभी अपनी एक लाइफ स्टाइल एक ये बताओ कि जो हमारा मेन घर है कलवा में, राइट है, बिल्कुल, और ये हमारा फार्म है, हाँ, और घर पे क्या लड़ाई चलती है? चाचू क्या बोलते हैं घर पे? चाची का वही सवाल, तुम उधर क्या करते? हाँ क्या बोलूं मैं बोल रहा हूँ गोटी खेलता भाई। और हफ्ते में अपन यहाँ कितना दिन दे रहे बकरों को? बकरों को चार दिन, चार दिन और तीन दिन फैमिली को। जुमेरा जुम्मा हाँ कलवा हाँ, नमाज पढ़ के इधर हाँ, फिर नेक्स्ट जुमेरात को घर पे। तो मतलब ये अलग लेवल की मोहब्बत है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ये हमारे वो नाटकर साहब है, ये भी आते हैं इधर देसी मुर्गी खाने को। हाँ ये भाई भी आते हैं, ये भाई मच्छी खाने को आते हैं। भाई भाई नहीं चाचू मेरे को तो छुपा रुस्तम है, छुपा रुस्तम है ये सबसे बड़ा जो है ना, ये सबसे बड़ा छुपा रुस्तम है। असगर भाई अभी ना चाचू के साथ जो अपनी लाया सबसे अच्छा बिताया वो वक्त, ऐसे तो हर वक्त अच्छा है, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वक्त बोलना, तो कोई एक स्टोरी सुनाओ चाचू और आपके बीच की। भाई भाई चाचू और मेरे अभी तो बेस्ट वर्ड, अभी तो जो लॉन्चिंग है मेरे ख्याल से अभी तो होगा तो ये सबसे वही होगा, सबसे बेस्ट जो बेस्ट होगा वही होगा। और चाचू जो खाना वाना खिलाते हैं, जो खिदमत करते हैं, वो तो अलग चीज है, किसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते वो चीज़। मेरे मोहल्ले में एक लड़का मिला है मुझे, इस्माइल नाम था उसका, वो आपके वहाँ लास्ट ईयर बकरा लेने आया था, जब मैंने आपका वीडियो उसको दिखाया या उसने मुझे आके बोला, तो बोले चाचू ने मेरे को 50,000 बोले थे, मगर जब मैं चाचू से बात करने लगा दे दो दे दो दे दो, तो चाचू बोलते जो देना दे दे, मैंने बोले 25,000 रुपया चाचू को दिया, चाचू ने मेरे को कुछ बोले भी नहीं। तो भाई ये होते हैं, नहीं नहीं ये होते हैं उस्ताद लोग ना भाई, जो लोगों के शौक को समझते हैं, लोगों के वापस नहीं जाते। नहीं नहीं तो ये बड़ी बात है ना भाई, वो चाहे तो कितने में भी, बकरा बेचना एक अलग चीज है भाई, और सही शौकीन को सही चीज देना वो एक अलग चीज है ना, वो उस्ताद लोग पहचान सकते हैं। तो माशाल्लाह अभी पूरा समा बन गया, आप लोग देख सकते हो ना भाई, और अभी अपना भी गला सूख रहा है, और भाइयों के पास भी मैं आऊंगा भाई, ऐसा नहीं है। सऊदी वाले दोस्त, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, क्या भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या बोल रहे भाई, कैसा है माहौल? अच्छा अच्छा माशाल्लाह सब बहुत दिल खुश हो गया। और भाई अपनी कोंकण की जमीन पर इतना बड़ा बकरा है तो उसकी एक अलग खुशी है अपने को, है ना। तो माशाल्लाह देखो खाना सामने बन रहा है, वो तो बनता रहेगा, यहाँ मोजिटो की तैयारी हो रही है, अभी पहले वो पिया जाएगा, थोड़ा गला सुखाएंगे भाई, और फिर से बकबक चालू हो गई भाई। मैंने इन लोगों को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया था, फिर सबकी स्टोरी वापस चालू हो गई है भाई, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप हो, कैसा लगता है अलमैदा गोट फार्म पे आके भाई? बहुत अच्छा लगता है, आप एकदम जुड़े हुए हो सर के साथ, क्या बात है। सर आपका नाम? मेरा नाम शरण पटेल, मुझे ना आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई। क्या बात है भाई, हमेशा यूट्यूब पर क्लिप देखता रहता। अच्छा तो आज अपन फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो भाई ये चीज जो आपने मुझे दी ना अभी, ये मेरे को ऐसा लगता है मेरी ये कमाई है, जब मेरा कोई सब्सक्राइबर एकदम दिल खोल के मिलता है ना, तो अपने को एक अलग मजा आ जाता है भाई। और आज तो आप मेरे वीडियो में भी आ गए, अब घर में ये वीडियो तो 50 बार चलेगा। तो आज का जो फेस्टिवल है ना भाई, इंडिया का सबसे बड़ा बकरा कोटा बकरा जो कोंकण की जर जमीन पर अपने चाचू के गोट फार्म में, अगर हम मुंबई कर्स और गोट लवर सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अब चलता हूँ मैं और मेहमानों के पास, देखते हैं सबका क्या रिव्यू है। तो ये भाई थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट देखने मिला है, रमेश भाई जूस और फ्रूट के साथ स्टार्ट हो रही है दावत, क्या भाई स्टार्टर में फ्रूट मिल रहा है, एकदम गाउटी स्टाइल वाली दावत है, माशाल्लाह मजा आ गया भाई। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह भाई अभी अल्लाह रब्बे कुमातो का जिबान, बिल्कुल। लोग बकरे की थोड़ी जर्नी जानना चाहेंगे,
नहीं, दो साल से मेरे पास भी बिल्कुल दो साल दो साल से मेरे पास है भैया, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भाई, ये मेरे पास 75 किलो पे आया था जी। अभी वेट किया नहीं, लेकिन अब हम 50 प्लस है बिल्कुल। लाइव बकरे को तो मैंने लास्ट टाइम जब आपके यहाँ पे शूट करने आया था तभी मैंने देखा था जी बिल्कुल। और माशाल्लाह तभी इसका रुबाब कुछ अलग था, और आज माशाल्लाह जब लोगों के बीच में ही आया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने इसको अलग ही चीज़ से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह इसको नजर से बचाए। और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर देखने वाले इसको माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बोलिए माशाल्लाह। और बहुत ही हाँ, वो नहीं फैसल भाई ने आपको बैठ दिया था शायद कि भाई इतना बड़ा बकरा मैंने नहीं देखा। हाँ, बकरा तो मैंने भी नहीं देखा, ये इतना बड़ा बकरा तो मैंने भी नहीं देखा। आज 5 साल हो गया मुझे मेरे करियर में, इतना बड़ा मैंने बकरा नहीं देखा माशाल्लाह। और भाई जिसको भी पूछना है पूछ लो। चाचू एक 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 बार आप पब्लिक से पूछ लो, इतने लोग खड़े सारे बकरेबाज हैं, बिल्कुल आप माइक पे बोलिए, क्या किसी ने अपनी लाइफ जर्नी में इतना बड़ा बकरा अभी तक देखा है? आप पूछ रहे हो? मैं तो नहीं पूछ सकता। नहीं पूछो पूछो, पूछना बनता है। किसी का दिल नाराज भाई, आप लोगों ने इतना बड़ा बकरा देखा है कोटा में अभी तक? भाई जवाब भाई, एक बार वापस से हाँ या नहीं में जवाब दे दो भाई। तो भाई सारे ये गोट लवर्स है भाई, अलग लेवल के लोग है, और लोगों की दीवानगी देख रहे हैं भाई। एज इज जस्ट अ नंबर भाई, ये उम्र में भी लोग बकरों को कवर कर रहे हैं, मतलब भाई ये अलग चीज है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अपनी महाराष्ट्र की सर जमीन पे ये चीज अपने को देखने मिली, ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई महाराष्ट्र के लिए। अल्लाह ने मेरे को चुना, माशाल्लाह क्या बात है भाई। वालेकुम चाचू के साथ में जो कि इंट्रोडक्शन की कोई मोहताज नहीं है, वन ऑफ द बिगेस्ट कोटा, हर साल इनका एक लॉन्च होता है माशाल्लाह। और एक कोटा पालते हुए आदमी की आदत खराब हो जाती है, और इनके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन रहता है हर साल। और अल्लाह से उम्मीद है माशाल्लाह, जैसे कि चाचू ने कहा था, और ये साल भी चाचू ने माशाल्लाह पूरे इंडिया में नाम रोशन कर दिया, और एक बड़ा कोटा लॉन्च कर दिया चाचू ने। चाचू बहुत जबरदस्त कोटा है ये, इतना बड़ा कोटा मैंने कभी देखा उधर। ये कोटा की जर्नी चाचू ये कितने टाइम से आपके पास? ये दो साल से मेरे पास, दो साल से आपके पास तो माशाल्लाह। जितना को करो शंकर शंकर जी तुम करो, बहुत नाजुक से पड़ी हुई चीज है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यार से पाला। वाह चाचू, देख के दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा कोटा का स्टॉक पूरा हो गया चाचू अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी व्यूअर्स आए, मैं सबके सबसे यही सुन रहा हूँ कि सबने इतना बड़ा बकरा शायद ही कभी देखा हो कोटा। नहीं देखा माशाल्लाह, जबरदस्त। चाचू 2025 के लिए क्या है स्पेशल कोटा गोट लवर्स के लिए, मतलब 2025 की क्या तैयारी अभी अपने पास है? इंशाल्लाह सीक्रेट है, धमाका होगा अभी पता है कैसा है संतोष भाई। अब एक्सपेक्टेशन तो आपसे हो गई ना हम लोगों को, हमारे बकरा इंडस्ट्री में तो भाई बकरा एंड तक छुपा हो रहे थे। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो पूरी दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया, माशाल्लाह बोला था दुनिया देखेगी माशाल्लाह जबरदस्त। और भाई ये मैं एक चीज कह सकता हूँ, ये बकरे को भाई वीडियो में टीवी में मोबाइल में देख के आप उन जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई, ये जो सामने देखेगा वही समझेगा, बिल्कुल सही है ना भाई। ये बकरा अगर सामने से देखोगे तो ही समझ में आएगा भाई कि ये चीज क्या है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि चाचू का एक तजुर्बा है, चाचू की नजर, चाचू क्या चीज देख के आपने कोटा लिए थे? मैं सिर्फ वीडियो कॉल पे देख रहा था, 2 सेकंड में देखा। ये बहुत बड़ी बात होती भाई, ये होता है एक तजुर्बा। चाचू बकरा इंडस्ट्री में एक बहुत एक आला मकाम रखते हैं, और चाचू की नजर देखो, आज इंडिया का नंबर वन कोटा लॉन्च हो गया। क्या बात है चाचू, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया भाई। चाचू आप थोड़ा सा बकरे के पास आ जाइए ना प्लीज। ये डॉन है भाई, डॉन क्या बात है, वाह डॉन। अल्लाह चाचू को सलामत रखे, और ऐसी सब नेमत अपने को चाचू के जरिए देखने मिलते रहे भाई, बस मैं यही बोलूंगा। बकरेबाजी में तो भाई 43, 44, 42 सब बोल रहे हैं। हाँ अपने भाई ऑनलाइन मतलब आंखों के सामने लोगों को बता दिया। चाचू इसकी हाइट कितनी है? ये हाइट अभी तुमको चाहिए तो गिन लो, 44 है बिल्कुल। और अभी वेट कितना है चाचू इसका? ये 150 प्लस पे, 150 प्लस पे बिल्कुल। तो माशाल्लाह ये है बकरा, और अब दिखाता हूँ बकरेबाजों को भाई मैं आप लोगों को। तो भाई ये भीड़ देखो भाई, एक बकरा देखने के लिए ना जाने भाई कोई कुदला से, कोई मुंबई से, कोई कहाँ से, कोई बॉम्बे सेंट्रल से भाई। भाई अभी तो आपने बकरा देख लिया, अभी क्या रिव्यू है आपका बकरा देखने? माशाल्लाह दिल खुश, वर्ड्स ही नहीं है, और आपकी आंखें भी एकदम भर आई है भाई यार।
ये माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, बहुत दिल खुश हो गया भाई। आप क्या क्या कहना है, बकरा देखे थे हमने, बकरे के लिए कुछ वर्ड है नहीं, माशाल्लाह नहीं है ना, जो लाइव मैं तो चाहूंगा कि पब्लिक लाइव आके देखे तो ज्यादा समझ में आएगा। उनको जवाब दे दिया, दो साल पहले चाचा ने जब लाए थे उस वक्त मेरे को बताए थे कि ये बकरा मैं मेरा नाम करेगा, और आज मेरे को बुलाया, अल्लाह ने उनकी जबान पूरी कर ली। ये काम से 15 दिन में उन्होंने मेरे को 3 टाइम कॉल किया, बताया कि मैंने वो बकरा जो तेरे को बताया था वो बकरा आज मेरा नाम करने वाला, तो तू याद से आ, मेरे घर में शादी है, मैं शादी छोड़ के इधर खड़ा। क्या बात है, तो ये होती है दीवानगी भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वेट पे भी है और खूबसूरती पे भी है, खूबसूरती भी है माशाल्लाह भाई। तो भाई ये देख सकते हो भाई, सब लोग लगे हुए अपने अपने हिसाब से चाचू का व्यू ले रहे भाई। नहीं भाई, वो मेरे बकरे में कभी नहीं मिलेगा। अबे इंशाल्लाह एक बात बोलता हूँ, तीसरा बकरा है मेरा, मेरा बकरा 44-42 डिग्री में भी कभी हाफा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग चीज है, लेकिन भाई बकरा मेरा बकरा कभी हाफा नहीं, अभी भी तुम्हारे सामने उधर से चल के आया, स्टेज पे चढ़ा है, लगभग हाँ। नहीं भाई अभी तो मुश्किल है, नहीं अभी टाइम निकल गया। हाँ बिल्कुल, खुद डिसाइड करेंगे हज पे जा रहे हैं। नहीं हमने कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि फैसल भाई हज पे जा रहे हैं, और हज पे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह। तो 2025 में धमाका है इंशाल्लाह, वाईके गोट्स इसके लिए जी जान लगा देंगे। अच्छा बोल नहीं सकते, मगर मौका मौका लगा तो वाईके गोट्स जी जान लगा देंगे भाई। हम लोग कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इरादा होगा। और एक शख्सियत से मैं मिलाना चाहता हूँ हम लोगों को, शाविज भाई भोपाल से आए हैं। वालेकुम सलाम, भी थोड़ा एक रिव्यू ले लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई, भोपाली अंदाज में भाई, भोपाली अंदाज में इसका रिव्यू, ये बकरा माशाल्लाह हैंड है, और इतनी बड़ी हाइट का गोटा आना आज की डेट में बहुत रेयर है, क्योंकि लोगों ने कानों के वजह से लोग बकरों की हाइट कम कर दी है, लेकिन ये बकरे पैदा हो रहे हैं आज भी। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अल्लाह पाक एक से एक जानवर जो है वो पैदा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। कुछ भाई किसी को पूछना है, चाचू जो मेहमान आए भाई खाना खा ले पहले, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम चाचू, क्या बोल रहे, मतलब एक आपने तो समा बांध दिया आज गोट लवर्स के लिए यहाँ पे। भाई तो मेरी मोहब्बत है, मोहब्बत है माशाल्लाह, और भाई दिल खुश हो गया। बकरे पे तो हम आएंगे अभी उस्ताद खलील के पास आते हैं भाई, मोहब्बत के सिवा हमने किसी से सलाह ही नहीं किया। नहीं नहीं सही बात है, वो तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि चाचू से एक अलग मोहब्बत हो गई है। उस्ताद खलील के पास आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी जर्नी कवर की है गोट इंडस्ट्री में, आपका रिव्यू क्या है भाई, ऐसा बकरा आपने अपनी पूरी लाइफ जर्नी में देखा है भाई? नहीं भाई, मैंने इतना बड़ा बकरा मेरे लाइफ में नहीं देखा, जब मैंने इसको देखा था उस वक्त से लेके आज के दिन तक मैंने चाचू को बहुत परेशान, चप्पल रगड़ दी है मतलब अपना। और भाई जो आपका वाईके गोट से और यहाँ पे आने में, अपन जब कार से आते तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है, ज्यादा लगता है। तो आप वो कितनी बार वो सफर तय किया आपने ये बकरे को लेने, सफर तय किया भाई? हाँ, रात में टाइम मिल रहा था। हाँ, और डेढ़ दो बजे मैंने इनको परेशान किया, तो हमेशा आके परेशान करते थे। क्या बात है भाई। तो अभी मैं आता हूँ एक भोपाल से अपने भाई है उस्ताद, और एक वालेकुम सलाम भाई, क्या बोल रहे हो, भोपाल के बाहर आप लोगों की कभी ऐसा एक ये था कि भाई कि भोपाल के बाहर ऐसी नेमत देखने मिलेगी भाई? नहीं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जो कोटा नस्ल है उसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर शौक किया जा रहा है। हाँ, और भोपाल के अंदर जो भराई के बकरे हैं, हाँ, उनका काफी ज्यादा क्रेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तैयार भी होते हैं, हाँ, बकरे। लेकिन इस लेवल का, इस साइज का जो बकरा है, अब माशाल्लाह सबका जैसे जैसे शौक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बकरे तैयार हो रहे हैं, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इससे भी अच्छे बकरे भोपाल से बाहर भी आएंगे, और उसी हिसाब से भोपाल का लेवल भी अपग्रेड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल में भी बहुत बड़े बड़े बकरे तैयार। और आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है भाई शौक बढ़ाने में भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हाथ तो अल्लाह का है ये सब चीजों में, ये हलाल जानवर है माशाल्लाह भाई, शौक करना हलाल है, और अच्छी राह में कुर्बान होते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम से माशाल्लाह। सब जो कुर्बानी करने वाले जैसे हमारे फैसल भाई है, फैज भाई है, भाई हाथ तो सबका ही है शौक बढ़ाने के अंदर। सही, अब मैं भाई के पास आता हूँ। जी भाई, भाई जब खलील भाई ने आके बोले थे कि वाईके गोट्स में हमें ये बकरा चाहिए, तो आपका रिव्यू क्या था ये बकरे को देखने के बाद? जनरली हम लोग
कोटा के जंगलों में घूम चुके हैं भाई, भोपाल घूम चुके हैं, पगारिया गए हैं, काफी जगहों पर हमने बकरे देखे। जब खलील भाई ने बोला इतना बड़ा, देखो मैं खलील भाई से ब्लाइंड फेथ है मुझे, खलील ये सब में क्लियर है, अगर उन्होंने बोला तो मुझे यकीन आ जाता है क्या होगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा होगा। और जब बात चल रही थी उसके 6 महीने बाद तो इसने रंग रूप सब चेंज कर दिया। मैंने 42 पे देखा था, अब मुझे नहीं लगता कि भाई फैसल भाई भी बोल रहे हैं। आपके हिसाब से कितनी हाइट है? मेरे हिसाब से तो 45 प्लस ही है। 45 प्लस है। अब मैं फैसल, एक आप सिर्फ देख लीजिए खलील भाई के कहां था वो बकरा आता है, अब अंदाज ले लीजिए। वो तो सब चेकिंग हो चुकी है भाई, अब मैं फैसल भाई के पास आता हूँ। फैसल भाई, एक हफ्ता पहले हम सब आए थे वाईके गोट्स पे खलील उस्ताद के पास और फिर भाई के पास, है ना भाई? तो इन्होंने कहा कि चलो भाई एक खजाना दिखाता हूँ। रात के तकरीबन अपन 1 बजे आए थे, चाचू को भी थोड़ा परेशान किए, 2-3 घंटा यहाँ बैठे। तो फैसल भाई, जब आपकी नजर पड़ी मैं देखा था आप थोड़े टाइम के लिए हैंग पे चले गए थे, ऐसा मोबाइल एक हैंग हो जाता है, आप कंप्लीट हैंग हो गए थे, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा था। भाई ने तो मैं आया सब बकरे देखा, बट पैज भाई ने बोले चलो एक बकरा मैं दिखाता हूँ। बोले आप तो हज पे जा रहे हो फिर भी शॉट कर लो। तो मैं बोला चलो ठीक है। फिर साथ में ही आए थे, बकरा देख के हैंग हो गया, तो मैं बोला बस अभी अल्लाह करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने घर में बकरा आ रहा है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तो माशाल्लाह बहुत खुश का नसीबी अपनी ये कि भाई अपने ही घर में बकरा आ रहा है, एक अलग मजा है। तो 2024 या 5 अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो माशाल्लाह ये है बकरा भाई, और ये है चाचू की मेहनत। माशाल्लाह भाई जबरदस्त चीज, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा मैं हर साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, क्योंकि भाई ये बकरा फ्रेम में बैठे वैसा बकरा ही नहीं है भाई, ये बहुत बड़े फ्रेम का अलग बकरा है भाई। तो ये होती है भाई बकराबाजी, देख रहे हैं आप लोग भाई, ये होती है बकराबाजी भाई, माशाल्लाह। और भाई जितने भी लोग आए थे सबका यही कहना था कि भाई इतना बड़ा कोटा बकरा अभी तक उन लोगों ने अपनी लाइफ जर्नी में नहीं देखी भाई, एक से यहाँ पे गोट लवर्स आए थे भाई। और भाई कसम खा के ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो एंड करने का मन नहीं हो रहा, ऐसी नायाब चीज आज दिख गई है भाई। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए भाई, बस माशाल्लाह जबरदस्त चीज भाई, माशाल्लाह बकरा देखिए भाई, अब समझ में आया बकरा क्या है भाई, दिल खुश हो गया। खलील भाई के तो मुंह को बकरा टच हो रहा है माशाल्लाह, उस्ताद खलील भाई को भाई। फैसल भाई यहाँ देखिए ना भाई, आपने सुना होगा बकरा जब अपन पकड़ते हैं तो एक ही दबता है। हाँ, ये दो दो लोग पकड़े हुए बकरे को, तो बकरा भी मतलब अनकंफर्टेबल है भाई। अब ये सोच, बकरे का ओरिजिनल शबाब देखना है ना आप लोग। हाँ, तो इसको बांधते हैं खूंटे से, फिर जब ये घूमेगा तो इंशाल्लाह ये अपने आप को बताएगा कि हिस्ट्री है, और ये पब्लिक तो बोलेगी हिस्ट्री हिस्ट्री है, लेकिन ये खुद बता देगा कि मैं क्या हूँ। और मैं ये इसको बांधो, रस्सी है क्या, बकरा डरा हुआ है ना। हाँ, और चार लोग बकरे के पीछे खड़े भाई, बकरे का फ्रेम इतना बड़ा की चार लोग खड़े भाई बकरे के पीछे भाई, ये बड़ी बात है भाई। ये बकरा जब जिस वक्त खूंटे से बन जाएगा ना तो अपने आप को खुद बता देगा। माशाल्लाह जबरदस्त चीज भाई, जब भी ये वीडियो देखे इस बकरे को देखे भाई तो माशाल्लाह जरूर कहे भाई। तो भाई ये है बकरेबाजी, तो माशाल्लाह ये बकरा आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आप सब कमेंट में माशाल्लाह लिखेंगे, और स्पेशली मुंबई कर्स और तमाम इंडिया के गोट लवर्स जानते हैं कि भाई कितनी बड़ी नेमत आज महाराष्ट्र के सर जमीन पे आई है अल मायदा गोट फार्म के अंदर।
माशाल्लाह दिल खुश हो गया। और सबसे ज्यादा मेरे को तो खुशी ये हुई कि ये बकरा समझो मेरे ही घर में आ रहा है, मेरे भाई फैसल सारंग भाई के घर में बकरा आया है। हाँ, चाचू उस्ताद से हमारे खलील उस्ताद ने लिए थे बकरा, वाईके गोट्स के आंगन में ये बकरा अब रहेगा। हाँ, दिल खुश हो गया माशाल्लाह आपका। आपके क्या मतलब जज्बात है भाई? जज्बात तो ये है कि बहुत खुशी है भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा बकरा अल्लाह ने नवाजा नहीं क्या चाचू के जरिए से। हाँ, मजा आ गया, खुशी बहुत है भाई, जबरदस्त जमाने लग जाते हैं ऐसा बकरा निकालने के लिए और अल्लाह ने दिला दिया तो इससे बड़ा बिल्कुल ऐसी बड़ी कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। और आप उन भाई ने कहा कि वर्ल्ड में इससे बड़ा कोटा नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई, नहीं है ना भाई, सामने खड़ा है माशाल्लाह देख लो इतनी वजन के ऊपर। हाँ, लोग उसकी हाइट की बात करें लेकिन हाँ, मैं उसकी वजन की भी बात। और जब अपन लास्ट टाइम आए थे तो इसको अपन ने दो पैर पे खड़े होते हुए भी देखा भाई, हो जाएगा भाई, क्या बोल रहे आप, हो जाएगा, क्या बात है। ये सब उस्ताद लोग है भाई, ये सब मतलब इनसे अपने को बहुत कुछ सीखना है अभी भाई। बकरा देखिए बाबा, आता हूँ मेरे भाई के पास, फैसल भाई, पहले मैं आता हूँ रमेश भाई का, रमेश भाई चीज घर में आ रही है भाई, क्या फीलिंग है। हाँ भाई, एकदम मतलब अलग ही सीन हो गया भाई, अल्लाह माशाल्लाह शौक में इजाफा ही फरमा रहा। क्या बोल रहे भाई, जब निकले थे अपन कुदला से, फैसल भाई ने ये चीज बताए थे क्या भाई, ऐसा कुछ हो चुका है? ब्यूटी है, ब्यूटी ब्यूटी नहीं, मतलब फैसल भाई ने ऐसा कुछ बोले थे क्या बकरा लेना है नहीं लेना? यहाँ के जब ये चीज खुली तो कैसा लगा आप लोग को? बहुत जबरदस्त भाई। आपके क्या, पहले ही बता दिया था भाई, आप लोग जब देखोगे तब बोलोगे, बोला था मैंने, जब देखोगे तो उनको वो नायाब चीज नजर आई। और रमेश भाई को मैंने एक चीज लास्ट वीक कॉल पे कही थी कि हमारी नस्लों में ये बकरा किसी ने नहीं देखा है, तो ये बकरा देखने तो अपने को आना है भाई। ये बंदा कल रात से नहीं सोया है खाली बकरा देखने के लिए, तो ये भाई भी आए एक हमारे भाई। क्या बोल रहे हैं, फैसल भाई के घर में अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बकरा रहे, कैसी खुशी है, एकदम स्पीचलेस भाई, मतलब लाइफ में ऐसा बकरा शायद ही कभी देखे या देखेंगे, देखने मिलेगा है ना भाई। बट अल्लाह का शुक्र है कि अपने यहाँ पे आ रहा है, अपने घर में आ रहा है, तो एक अलग खुशी है बस माशाल्लाह भाई। तो अभी अपने को खाना भी खाना है, प्रोग्राम चल रहा है वो भी कवर करेंगे माशाल्लाह। और स्पेशल थैंक्स टू चाचू भाई माशाल्लाह। तो भाई अब देखिए बकरे का फ्रेम भाई, कितना बड़ा बकरा है माशाल्लाह भाई। भाई थोड़ा सा पीछे आ जाओ ना, तो बड़े फ्रेम में बकरा अच्छा आएगा ना भाई। चाचू को, चाचू यहाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा सा आगे आ जाओ, और लग रहा है, चलिए इसकी तो माशाल्लाह जबरदस्त चीज। फैसल भाई ये क्या सीन है, आपने हम लोग को बोले कि बकरा देखने चलना है, सबको गाड़ी में बिठाए लेके, तो ये क्या हो गया सीन, मतलब जब बकरा फर्स्ट अट्रैक्शन में पसंद आया कि आज पसंद आया, क्या सीन है ये भाई? बकरा तो देखो सरफराज भाई, जो भी देखेगा वो फर्स्ट अट्रैक्शन में इसको पसंद आया। हाँ, मैंने आप जो फर्स्ट डे आए थे, हाँ, तब मैंने फैज भाई को एक घंटा लेके खड़ा था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट अभी डन हो गया था। हाँ, तो नेक्स्ट डे मैं फिर फैज भाई और खलील भाई को फोन करके फिर मिले हम लोग। वो अकेले वाला सफर आपने किया वो थोड़ा गलत है ना भाई यार, भाई यार ऐसा नहीं होता है ना यार फैसल भाई यार। नहीं तो रात में भाई, मैं दिन में निकल गया था फैज भाई को फोन करके, मैं हाँ, शाम में या रात में फिर वाईके पे गए, अल्हम्दुलिल्लाह वाईके पे बैठ के खलील भाई और फैज भाई से बकरे का सौदा। क्या बोल रहे खलील भाई, मजा आ गया यार माशाल्लाह यार, शुक्र है भाई देखो इतना बड़ा बकरा लेने को मौका दिया अल्लाह ने, और लिए भी, और फैसल भाई को भी पसंद आ गया, दोनों बोलते ना एक हाथ लिए और एक हाथ में। हाँ, लेकिन बकरा अपने पास इंशाल्लाह। मगर ये ऐसा लग रहा है चाचू का घर भी अपना था, खलील भाई भी अपने, फैसल भाई भी अपने, मतलब ऐसा लग रहा है घर में ही बकरा है, बकरा घर में ही अपने, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, मतलब एक दिल को एक अलग खुशी है। मैंने बोलते ना आज मैंने देखा इनको पसंद आ गया, कल मैंने देखा इनको पसंद आ गया, तो हर किसी को ये बकरा बोलते ना एकदम देखते ही बोलते ना तो बकरे में उसी पर्सनालिटी है नहीं। तो मगर ये जो अपने भाई है ना भाई, अब इनकी जो पसंद होती है वो स्टॉप हो जाती, फिर वो स्टॉप लग जाता है ना फैसल भाई वहाँ पे, जो घर के लिए नियत हो गई वो हो गई भाई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी, कुछ भी हो जाए, कुर्बानी की हो गई हो गई। और मेरा वो सालों से अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है, मेरे कोटे पे जो सबसे बड़ा बकरा था। हाँ, वो हुजूर के नाम पे, हुजूर के नाम पे होता है, तो क्या बात है भाई। ये तो फिर इतिहास ये तो इंशाल्लाह, तो आकाए नामदार के सदके में भाई आपकी भाई रोजी रोटी में और बरकत तो अल्लाह खूब दे। और भाई सब फैसल भाई के लिए दुआ करे, और ये वीडियो जब भी देखे तो फैसल भाई के लिए कमेंट भी करे कि फैसल भाई हम लोगों के लिए दुआ करे, क्योंकि आकाए नामदार की नगरी मदीना शरीफ मक्का शरीफ भाई हज करने जा रहा है मेरा भाई विद फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये तो एक अलग ओकेशन हो गया, तो 2024 अपन फैसल भाई को मिस करेंगे थोड़ा, क्योंकि वो बाड़े की एक रौनक अलग होती थी, बकरे देखने का मजा एक अलग होता था। मगर भाई 2025 जो होगा उस्ताद खलील
और हम सब मिलके भाई 2024 में भी इंशाल्लाह एक सिग्नल कितने मिलेंगे। हाँ, वाई के गोट्स भी हमें आना है फिर बीच में, वो भी कवर करेंगे। तो बस भाई यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं अभी भाई, और भाई बहुत मजा आया। जब जब बकरा देखेंगे जब जब माशाल्लाह बोलने बाद अल्लाह पाक बकरे को नजर से बचावे। बस बस भाई, बकरों में यही एक हादियत रहती है भाई कि बकरा नजरा जाता है ना तो फिर उसमें टेंशन रहता, पैसा गया कोई गम नहीं, बकरा चले जाता ना बहुत गम होता है, समझे। तो बकरा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि माशाल्लाह बोले हुए, और जो बकरे से मोहब्बत करता है या जो हमसे या आपसे मोहब्बत करता है तो सदका निकाल के दे, सदका निकाल दे क्या। तो भाई आज तक सुनते थे ना बकरे की लॉन्चिंग हो रही है, लॉन्चिंग हो रही है, लॉन्चिंग हो रही है। भाई आज लॉन्चिंग भी देख लिए, पूरा समा भी देख लिए, और वहाँ खाने की दावत भी चल रही है भाई साथ ही साथ, तो दिल खुश हो गया। तो आज हम आए थे भाई अल मैदा गोट फार्म, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का सबसे बड़ा कोटा बकरा आज हमें यहाँ देखने मिला। और भाई ने तो कह दिया कि इंडिया क्या, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड में इतना बड़ा कोटा एट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने वाले लोग हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, बकरेबाजी के शौक को बढ़ाइए, और जब भी कोई भी बकरा और स्पेशली ये बकरे का भी जब वीडियो देखे तो मुंह से बोले माशाल्लाह। भाई मैं तो मेंटल हो गया, पहले मेरे को लग रहा था कि शादी की दावत में आ गए भाई, तो अंदर आने का समय तो भाई हम फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपके सपोर्ट से यहाँ तक अपन पहुंचे भाई। हर साल बड़ा बकरा मेरे कोटे पे आएगा, सबसे पहले आपके ही थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जजाकल्लाह खैर। तो बस भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बकरों के शौक को बढ़ाइए भाई, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त।